बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर से। लेडी डॉन के पकड़े जाने से नेपाल सीमा सुर्खियों में। नेपाल सीमा पर अनु धनकर को पकड़ा गया था। तैनात एसएसबी ने सामान्य लड़की समझ पुलिस को सौंपा था। प्रेम जाल में फंसा समझ वन स्टॉप सेंटर में भर्ती कराया था। अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित फिर नेपाल सीमा बनी। एसएसबी इंटेलिजेंस फिर भी अपराधी पहचान छिपाने में कामयाब हो रहे। खीरी पुलिस की 20 घंटे कस्टडी में रही लेडी डॉन। दिल्ली पुलिस आसानी से कामयाबी दिखा ली गई। फिर से बता दे बड़ी खबर आई इंडर 24 सावा लाइव टीवी पर। लखीमपुर से लेडी डॉन के पकड़े जाने से नेपाल सीमा सुर्खियों में। तैनात एसएसबी ने सामान्य लड़की समझ पुलिस को सौंपा था। नेपाल सीमा पर अनु धनकर को पकड़ा गया था। प्रेम जाल में फंसा समझ वन स्टॉप सेंटर में भर्ती कराया था। अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित फिर नेपाल सीमा बनी। एसएसबी इंटेलिजेंस फिर भी अपराधी पहचान छिपाने में कामयाब हो रहे। खीरी पुलिस की 20 घंटे कस्टडी में रही लेडी डॉन। दिल्ली पुलिस आसानी से अपनी कामयाबी दिखा ले गई। फिर से बता दे बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर से। लेडी डॉन के पकड़े जाने से नेपाल सीमा सुर्खियों में। नेपाल सीमा पर अनु धनकर को पकड़ा गया था। तैनात एसएसबी ने सामान्य लड़की समझ पुलिस को सौंपा था। प्रेम जाल में फंसा समझ वन स्टॉप सेंटर में भर्ती कराया था। अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित फिर नेपाल सीमा बनी। एसएसबी इंटेलिजेंस फिर भी अपराधी पहचान छिपाने में कामयाब हो रहे। खीरी पुलिस की 20 घंटे कस्टडी में रही लेडी डॉन। दिल्ली पुलिस आसानी से अपनी कामयाबी दिखा ले गई। इंडिया 24 सावा लाइव टीवी पर ब्यूरो रिपोर्ट।